सभी मतदाता को 10-10 हजार रुपए महीना तनख्वाह दिया जाए। कर दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है और आज हम बताएंगे आपको आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारांचल के उस भूभाग की, जहां पे हर साल घाघरा नदी के कहर से हजारों एकड़ जमीन जल में समा जाती है और लोग घरों से बेघर हो जाते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ दलाल मीडिया। खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ए लिखें, दिनेश लाल यादव को सपोर्ट करते हैं तो बी लिखें और हमारे सर्वे का हिस्सा बनें। अंतिम चरण के मतदान के बाद हम दलाल मीडिया पर दिखाएंगे आजमगढ़ का एग्जिट पोल सबसे पहले। ये हम लोग सिग्नेचर कर किए हैं और हम लोग अपने अपने दस्तखत करके अपनी मंशा के अनुसार हम लोग आपको ये पत्रक दे रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि ये पत्रक जो है मीडिया चैनल में आप भेजा जाए ताकि इसको देशवासी इस पर ध्यान दे करके अपने मतानुसार हम लोग की बात को चुने या नकारें। तो हमारा निवेदन है बार बार कि इसको आप प्रेस विज्ञप्ति में आप जरूर देने का खर्च करें, हम आपका सदा के लिए आभारी रहेंगे। ये सिग्नेचर है, ये हम लोगों का लेख है। दोस्तों, भ्रष्टाचार भारतवासियों की मुख्य समस्या, जबकि भारत का नेतृत्व करने वाले मुख्य चार अंग, पहली जनता, दूसरी विधायिका, तीसरी न्यायपालिका, चौथी कार्यपालिका। सबसे अच्छा चुन करके जनता ने बना दिया सांसद और सबसे अच्छा पढ़ा लिखा संसद ने चुना जज कलेक्टर, फिर भी जनता की हालत बदतर। तो भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, सोच ले भारतवासी। हम लोग इतने दिनों से इस व्यवस्था को देखते देखते मजबूरी में हम लोगों को यह संकल्प लेना पड़ा और महुला गढ़वाल बांध बाढ़ पीड़ित व सामाजिक संगठन की जो रचना करनी पड़ी और कटान बाढ़ से मुक्त होने के लिए और भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए यह जन जागरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोगों का वादा है, हम लोगों का निवेदन है कि अगर भारत में अगर नोटा बटन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता प्रत्याशियों से ज़्यादा अगर नोटा बटन दब गया, अगर पार्लियामेंट की सरकार गफलत में पड़ेगी, सरकार सोचेगी और यहाँ तक नहीं कहना चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ, लास्ट में देशभक्तों की सरकार बनेगी तो जितने मतदाता हैं भारत में सभी मतदाता को 10-10 हजार रुपये महीना तनख्वाह दिया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और बेरोजगारी दूर किया जाएगा, भय मुक्त किया जाएगा, न्याय मुक्त किया जाएगा, जन जन की सुनवाई होगी, किसी को कहीं धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने की आवश्यकता नहीं बनेगी। ऐसी नई नीति बनाई जाएगी कि भारत में नए युग का निर्माण होगा जिसको लोग स्वराज कहते हैं। स्वराज जब नोटा बटन दबेगा तो भारत में स्वराज स्थापित होगा। अब इसके ज़्यादा अगर आप लोग चाहेंगे तो अगली मीटिंग में या अगली समस्या में यह बात कही जाएगी या लिखित पत्र आपको महानुभाव दिया जा रहा है, आप इसको प्रेस करके और पूरे देशवासियों को हमारा आपसे निवेदन है कि आप पहुंचाने का कष्ट करें और भारतवासी इस वक्त पर इस लेटर पर विचार करने का कष्ट करें। सबको आप लोग चुन कर देखे बार बार, तो नोटा बटन को चुन करके देखिए एक बार, भारत माता की, भारत माता की, महुला गढ़वाल बांध बाढ़ पीड़ित संगठन, भ्रष्टाचार भगाएंगे, नोटा बटन दबाएंगे, बेरोजगारी दूर कराएंगे, बटन दबाएंगे, जन जन की सुनवाई करें कराएंगे, दबाएंगे, कटान बाढ़ मुक्त करवाएंगे, नोटा बटन दबाएंगे, पार्टी बांध मिटाएंगे, नोटा बटन दबाएंगे, भ्रष्टाचार भगाएंगे, नोटा बटन दबाएंगे, जन जन को न्याय दिलाएंगे, नोटा बटन दबाएंगे, सभी मतदाता
आपका क्या नाम है? जयराम। जयराम जी, बताइए लोकसभा आजमगढ़ में किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहते हैं? वोट काम देना चाहते हैं मोदी जी। क्यों मोदी जी को वोट देना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग लाभ है, लाभ आवास भी मिला है। आवास मिला है तो आप मंडई में क्यों रह रहे हैं? मंडई में? मंडई में नहीं रह रहे हैं, मंडई में जाइए देखिए घर हमारा हो दे। अच्छा बताइए, केंद्र सरकार की कोई 5 योजना बता दीजिए जो विकास की है। ये तो नहीं मालूम है। तो फिर वोट कैसे देंगे? वोट हम आपको नहीं हिसाब से देंगे। योजना के बारे में बताएंगे आप? जी ना। क्या सरकार द्वारा जो 2000 रुपये दिया गया था वो आपके अकाउंट में आया? अभी नहीं आया, वो तो नहीं आया। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला नहीं, मिला है अभी नहीं मिला। क्या जो आवास मिला था उसमें ग्राम प्रधान द्वारा या किसी द्वारा पैसा लिया गया था या पूरा पैसा दिया गया था? पूरा पैसा तो नहीं अभी मिला, आधा पैसा अभी वापस। कितना पैसा मिला था? हमें 35,000 रुपया मिला था। 35,000 में आप अपना मकान बनवा लिए? और घर से लगा के बनवाए हैं। कितना लगा था मकान बनवाने में? मकान बनवाने में 70,000 रुपया लगा था। आपका क्या नाम है? कमलेशिया जी, बताइए आप लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट देंगी आजमगढ़ में? हम तो लोटा बटन दबाई हम क्यों ना दे। कहे लोटा बटन दबाऊंगी हम? हमारी समस्या जब क्यों हल्ला ना कर पाओ था तो हम क्या करें? कैसी समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये खेत बाड़ी सब चीज कट गया, कुछ मिला मिलन न जुलन, अमान के जमीन में है। कब से है अमान के जमीन में? 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए। जिस समय कटान हो रही थी उस समय शासन प्रशासन के लोग आए थे? हाँ। आश्वासन दिए थे, कुछ कहे थे? कुछ ना कहे थे। तो आप क्या निर्णय लिए हैं? वोट ना देव, हमने कह जाब ना धुआ करब, हम यही रह का कर। आपका क्या नाम है? आशा देवी। आशा देवी जी, बताइए लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देना चाहती हैं, किस मुद्दे पे वोट देना चाहती हैं? नोटा दबन बटन दबाई। क्यों नोटा बटन दबा रही हैं? 2-3-4 साल हो गए, घर द्वार कट गए, क्यों सुनवाई ना कैले, आके देख देख लोग चल गए ना। हम हरजन बेचारा खेत देना तो उनके खेत में मड़ई ना के हई, क्यों सुनवाइया ना करे वाला। कैसा सहयोग चाहती हैं सरकार से? वह चाहते हैं कि कुछ मिलल ना, तो आपका मिली तो का हो वोट दे के। तो आप इस बार चुनाव में वोट नहीं देंगी? नहीं, लोटा दबन बटन दबाई। आपका क्या नाम है? विजय। विजय जी, बताइए लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, हम तो नोटा बटन दबाएंगे। क्यों नोटा बटन दबाना चाहते हैं? इस मुद्दे पे दबाएंगे, हम लोगों का 14 से घर कटा है ना, उसकी खेती कट गई, घर कट गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इस वजह से हम लोग किसी को नहीं देंगे, हम लोग देंगे नोटा बटन दबाएंगे। अब कैसा सहयोग चाहते हैं सरकार से? हम लोग ये सहयोग चाहते हैं, सबको कहीं जमीन मिले, कहीं आवास मिले, हम लोग सुरक्षित घर द्वार बना ले। क्या जहाँ पे इस समय रह रहे हैं ये किसकी जमीन में? ये दूसरे की जमीन है, किसी से हम लिए हैं जमीन बसने के लिए, यहाँ मड़ई बना के रह रहे हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ हैं 4 साल से। क्या आपको ग्राम प्रधान द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिया गया? नहीं दिया गया था। आपका नाम क्या है? सरस्वती। सरस्वती जी, बताइए आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहती हैं? मैं नोटा पर बटन दबाई। क्यों नोटा पे बटन दबाना चाहती हैं? काहे खेत बाड़ी कट गल, घर द्वार कटे वाला, क्यों उतन जातना तो का करो? कब का घर आपका कटा है? कट ही वाला हवा, खेत बाड़ी तो कट गए, कट ही वाला न बा। तो सरकार से क्या अपेक्षा है? ये अच्छा है कि मनो कहीं अगर मिल जाए जमीन उमीन तो आवास वास तो मनो बन जाए, तो वहाँ अच्छा से रहल न जा। आपका क्या नाम है? बुद्धू।
बुद्धू जी बताइए, आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम मोदी के देंगे। किस मुद्दे पे देंगे मोदी जी? हम देंगे अपने गरीबी के ऊपर। आपका क्या नाम है सर? मेरा गुड्डू पासवान नाम है। गुड्डू जी बताइए, लोकसभा चुनाव में आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं? हम इसलिए देना चाहते हैं, वो सरकार अच्छी और अच्छे काम कर रही है, हम गरीबों को सहायता वही दे रहे हैं, क्योंकि हमको लोग कुछ नहीं मिला है। हम पासी जात के आदमी हैं, पासी वंश के, और हमारा कोई जात नहीं है, क्योंकि मोदी जी हैं वो हमारी जात को समझते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं बस। कोई उनका पांच कार्य बता दीजिए। पांच कार्य हमको गए चूल्हा दे दिए हैं, हमको जो है कि पूरी सपोर्ट मिल रही है हमारी गरीबी में। उनका लोग कैसे कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? सपोर्ट ये मिला है कि हम गरीब आदमी हैं, जब हमको पैसे नहीं मिलता था, हमको वहाँ दो पैसे मिल रहा है, FIR लग जाते हैं, हमारी सुनवाई हो रही है, और जो भी है, जो भी लोकेशन है, हमारा सिस्टम बाजार जाते हैं, फिर भी कोई। आपका क्या नाम है? शीला जी बताइए, लोकसभा चुनाव में आप किस मुद्दे को वोट देना चाहते हैं? ना के बस हमारा जब घर द्वार बन ला ना, हमारे मड़े तो गिरे चेक कर आए, गिरे थे घर में, हमारे वोट दे ले कौन पर, हमारे घर द्वार चेक करके वही ना कहे। हाँ, हमारा आदमी बीमारिया है, वो हम कैसे का करिए, छोटी छोटी लड़कियाँ जी आवत हैं, हमारे घर द्वार क्यों चेक ना कही ले। आप लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगी? नहीं, हमारे जो घर द्वार में तेरे हम ना देंगे। कृपया अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।